कलर लाइक आप देख सकते हो, बट द एक्चुअल कलर इज नॉट ग्रीन. हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू द वर्ल्ड फेमस मोस्ट आइकॉनिक नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ यूएसए, विच इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. सो यूएस का जब भी हम नाम सुनते हैं या यू नो इमेजिन करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमें इमेजिन होती वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी. एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड यू नो टूरिस्ट अट्रैक्शन और द मॉन्यूमेंट इन यूएसए. सो लिबर्टी का जो ये व्यू है, ये हमारे काफ़ी वीडियोस में आपने देखा भी होगा. न्यूयॉर्क में काफ़ी जगह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू आता है, बट एक्चुअल आइलैंड पर जाकर इस मॉन्यूमेंट को करीब से देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स गो. नाउ वी हैव रीच्ड द लोकेशन जहाँ से अब हमें यू नो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए आगे जाना है. सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्चुअली एक आइलैंड पर बना हुआ है, एंड वहाँ जाने के लिए हमें यू नो फेरी से जाना होता है. सो फेरी हम दो जगह से ले सकते हैं, लाइक न्यूयॉर्क साइड से एंड न्यू जर्सी साइड से. सो न्यूयॉर्क में बैटरी पार्क है जहाँ से हम लिबर्टी की फेरी ले सकते हैं, एंड न्यू जर्सी साइड से जर्सी सिटी में जो लिबर्टी स्टेट पार्क है वहाँ से हम फेरी ले सकते हैं. सो नाउ वी आर एट द लिबर्टी स्टेट पार्क, एंड दिस इज द ब्यूटिफुल पार्क. You can see right behind me is the oldest train station. And Liberty State Park का एक dedicated video हमारे channel पर already upload किया हुआ है. So if you haven't watched that video, then do check it out. The link is in the description box. So now we will be go through a security checking. So airport style security checking होती है यहाँ पर, काफी strict checking होती है. Now we are done with the security check, and now we will be heading towards the cruise. So this is the place, and you can see right behind me is the New York skyline. सो लिबर्टी स्टेट पार्क से एवरी 15 टू 20 मिनट्स में हमें फेरी अवेलेबल होती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए, एंड नाउ द फेरी इज हियर. वेर आर यू गोइंग? गोइंग टू फेरी. वी आर गोइंग टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी. वेयर इज फेरी? देयर. सो लिबर्टी आइलैंड से पहले आता ये एलिस आइलैंड का स्टॉप, एंड दिस वाज द इजीएस्ट इमिग्रेंट इंस्पेक्शन एंड प्रोसेसिंग स्टेशन इन यूएस. बट अभी यहाँ पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन बनाया हुआ है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर गाइडेड टूर्स भी हम लोग ले सकते हैं. नाउ लेट्स गो एंड एक्सप्लोर दिस म्यूजियम. इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर जो यूएस में जो इमिग्रेंट्स आए थे वो कैसे आए थे, एंड उनकी सारी जो हिस्ट्री होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस ग्लोब के थ्रू हमें मिल जाती है. हमें ऑडियो टूर भी ले सकते हैं, लाइक ऐसा एक डिवाइस ही हमें देंगे, एंड इट्स इंक्लूडेड इन अवर टिकट, लाइक जनरल टिकट में भी इंक्लूडेड होता है. एंड इसमें 111 प्रेस करने के बाद हमें यू नो जो हिस्ट्री होती है यहाँ पर जो भी डिस्प्ले किया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ईजिली मिल सकती है ऑडियो टूर में. एंड ऑडियो टूर में अगेन जो लैंग्वेजेस है वो भी अवेलेबल है, काफ़ी लैंग्वेजेस में ऑडियो टूर अवेलेबल है. यू कैन चूज एनी ऑफ देम, लाइक हिंदी, स्पैनिश और एनी लैंग्वेज. एंड वी कैन सबमिट दिस ऑडियो टूर डिवाइसेज हियर बिफोर लिविंग द म्यूजियम. सो 18th सेंचुरी में अराउंड 1892 टू 1954 में अराउंड 12 मिलियन इमिग्रेंट्स यूएस में एंटर हुए, एंड एलिस आइलैंड वाज द बिगेस्ट इंस्पेक्शन सेंटर एट दैट टाइम. सो इस म्यूजियम में यहाँ हमें यू नो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक यूएस में इमिग्रेंट्स कहाँ से आए एंड वो यूएस में इमिग्रेट क्यों हुए. सो
ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन डिस्प्ले बोर्ड्स के थ्रू हमें यू नो शोकेस की हुई है. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ ऑडियो डिवाइसेस भी है जहाँ से हम इन सारी चीज़ों की जो हिस्ट्री है वो सुन सकते हैं. एंड कुछ इंटरेक्टिव डिस्प्लेज भी है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इंटरेक्टिव डिस्प्लेज है जिसके थ्रू बच्चे भी इस सारी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. And here is the display board which is showcasing that कौन सी countries से US में लोग immigrate हुए थे. Here are few pictures from that time. Like यहाँ पर जो लोग इमिग्रेट हुए थे उनकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पर रिस्टोर की हुई है इस म्यूज़ियम में. As you can see here, ये जो ship है इसमें thousands of people they used to immigrate at one time in these ships. So these pictures are displayed over here. From the Ellis Island, we are going towards the Liberty Island. Hello, where are you going? Statue of Liberty. Are you excited? Look over here. Are you excited? Yes. The National Park Service requires that there be one chaperone with every 10 children, and that the group remain together at all times. Under normal conditions, the last. So now finally we are at our destination, which is the Liberty Island, and यहाँ पर है the world famous statue of Liberty. So let's go and explore this beauty. फेरी से उतरने के बाद अभी हम आए हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बैक साइड में. सो दिस इज द बैक ऑफ द स्टैचू, एंड इसी साइड बना हुआ है ये एक म्यूजियम जिसमें यू नो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जो भी हिस्ट्री या इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है. बट वी विल एक्सप्लोर दैट लेटर. फर्स्ट वी विल सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रॉम फ्रंट साइड. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ पार्क ओवर हियर. एंड ये लिबर्टी आइलैंड काफ़ी बड़ा है. सो घूमते हुए अगर आप टायर्ड हो जाते हो, इफ़ यू आर टायर्ड देन यू कैन सिट एंड रेस्ट हियर विद द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मैनहट्टन स्काईलाइन अहेड. एंड नाउ फाइनली वी आर इन फ्रंट ऑफ दिस स्टैचू, एंड आई मस्ट से दिस इज़ डेफिनेटली द ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन US. 18th सेंचुरी में काफ़ी लोग यू नो काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पर US में इमिग्रेट हुए थे, एंड यूज़ टू कम थ्रू द बोट्स. सो उन्हें काफ़ी महीनों लग जाते थे यहाँ पहुँचने में. एंड यू नो यहाँ पहुँचने तक उन्हें आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देता था, बिकॉज दे केम थ्रू द सी रूट. एंड जब वो यहाँ पर पहुँच जाते थे फाइनली US में, न्यूयॉर्क में, सो दिस वॉज देयर सिम्बॉल दैट दे आर इन US नाउ. एंड दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू US. एंड ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के बाद यू नो दे द पीपल दे वर इमिग्रेटिंग हियर, एंड दे यूज टू टेक अ साई ऑफ रिलीफ दैट नाउ दे विल गेट सम वर्क और दे हैव अ न्यू होप. सो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एनलाइटमेंट. इस स्टैचू का कंस्ट्रक्शन फ्रांस में हुआ था. सो 1875 से 1884 तक इसका कंस्ट्रक्शन चला, एंड देन इसे डिसअसेंबल किया गया और न्यूयॉर्क शिप किया गया इन 1885. सो न्यूयॉर्क में स्टैचू आने के बाद 1886 में इसे यहाँ लिबर्टी आइलैंड पर असेंबल किया गया. स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लेफ्ट हैंड में एक टैबलेट है जिस पर USA की इंडिपेंडेंस डे की डेट मेंशन की हुई है, विच इज़ July 4, 1776, एंड इट्स इन रोमन लेटर्स. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के राइट हैंड में एक टॉर्च है, एंड ऐसा माना जाता है दैट दिस टॉर्च रिप्रेजेंट्स द लाइट दैट शोज ऑब्जर्वर्स द पाथ टूवर्ड्स द फ्रीडम. एंड ओरिजिनल टॉर्च जो थी वो रिप्लेस की गई इन 1986, एंड इसकी जो फ्लेम है वो कॉपर की बनाई हुई है, उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड का कवरिंग है, एंड इसी वजह से डे लाइट में ये जो फ्लेम है ये बहुत शाइन करती है, एंड ऑल्सो नाइट में भी ये बहुत शाइन करती है बिकॉज ऑफ द 16 फ्लड लाइट्स ऑन द फ्लेम. स्टैचू ऑफ लिबर्टी green in color, like aap dekh sakte ho, but the actual color is not green, it's made up of copper, and because of the oxidation reaction, jo you know air mein jo oxygen hota hai uski copper se reaction hone ke baad iska jo color hai ye green ho gaya hai, like it's like a layer form ho chuki hai, so that's why the statue of liberty is green in color.
एंड एज यू कैन सी यहाँ इस बोर्ड पर भी मेंशन किया हुआ है दैट व्हाई इज द स्टैचू ग्रीन इन कलर. सो यहाँ जगह जगह पर ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स है जहाँ पर यू नो स्टैचू से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो हिस्ट्री इसकी है वो मेंशन की हुई है. सो दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज आई हैव सेड फ्रांस ने यूएस को गिफ्ट की थी एंड यू नो इट वॉज देयर पैक्ट लाइक जो फाउंडेशन होगा या बेस होगा वो यूएस में बनाया जाएगा एंड द स्टैचू विल बी गिफ्टेड बाय द फ्रांस. सो दिस इज द फाउंडेशन विच इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट से ही बना हुआ है एंड जो एक्चुअल स्टैचू है वो फ्रांस ने यूएस को दिया था. सो जो एक्चुअल ग्रेनाइट का पोर्शन है लाइक द बेस पोर्शन जहाँ से स्टैचू स्टार्ट होता है वहाँ तक हम जा सकते हैं लाइक वी कैन हैव द एक्सेस बट उसके लिए हमें ऑलरेडी यू नो टिकट बुक करने से पहले ही या टिकट बुक करते समय ही हमें उसका एक्सेस लेना होता है या बुकिंग्स करने होते हैं द पेडेस्ट्रल एक्सेस जिसे हम कहते हैं. एंड वहाँ से एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पर हम जा सकते हैं. वहाँ से न्यूयॉर्क सिटी का एक ब्यूटीफुल नज़ारा हमें देखने मिलता है एंड इट्स अप टू द 10 स्टोरीज लाइक 10 स्टोरीज के एक बिल्डिंग जितनी होती है हाइट की उतने हाइट का ये बेस है एंड उसके ऊपर देन स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है. एंड नॉट ओनली अप टू द पेडेस्ट्रल पोर्शन बट 305 फीट के इस स्टैचू का जो क्राउन है वहाँ तक हम जा सकते हैं बट उसके लिए हमें एडवांस में टिकट्स बुक करने होते हैं बिकॉज एक समय पर वहाँ पर लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं. एंड क्राउन पोर्शन में 7 रेज लगे हुए हैं इसके क्राउन पर. सो दिस 7 रेज रिप्रेजेंट्स द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 7 सीज ऑफ द वर्ल्ड एंड 25 विंडोज बनी हुई है. सो दिस 25 विंडोज सिंबलाइजेस द 25 gemstones फाउंड ऑन द अर्थ. And now before heading towards the museum, we have clicked a lot of pictures with the statue. So you can follow me on Instagram. My Instagram handle is mentioned in the description box. So this is the backside of the statue. And if you are hungry, you can grab something from here. This is the snack center. And yahan par hai ye. Yahan par hai ye museum. So now we are heading towards the museum. एंड म्यूज़ियम के ऊपर वाले जो पोर्शन में या जो डेक पोर्शन है टेरेस का पोर्शन है वहाँ भी हम जा सकते हैं. सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी म्यूज़ियम रिसेंटली 2019 में ही ओपन किया गया एंड इस म्यूज़ियम में काफ़ी इंटरेक्टिव गैलरीज है विच टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस स्टैचू लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया या कहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया एंड हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है. लाइक यू कैन सी यहाँ पर स्टैचू का जो ईयर है उसका एक मॉडल बनाया हुआ है एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके नीचे मेंशन की हुई है. सो स्टैचू बनाते समय क्या क्या चैलेंजेस इन लोगों को फेस करने पड़े लाइक एज आई हैव सेड स्टैचू जो फ्रांस में बनाया गया था एंड देन उसे डिसअसेंबल करके यहाँ न्यूयॉर्क में शिप किया गया था तो उस समय उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो सब यहाँ पर इस म्यूज़ियम में मेंशन किए हुए हैं. सो हियर इज़ द मॉडल ऑफ स्टैचूज फूट लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फूट का एक ये मॉडल है एंड यहाँ पर ये सारे टूल्स रखे हुए हैं विच वेर यूज एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन. एंड यहाँ पर काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्प्लेज है जिसके थ्रू हमें यू नो ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या विच कैन गिव यू द हिस्ट्री अबाउट द स्टैचू. एंड इंफॉर्मेटिव स्क्रीन्स यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर छोटी छोटी क्लिपिंग्स चलती है लाइक यू कैन सी हियर यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये कॉपर के जो शीट्स है ये स्टैचू के ऊपर यू नो लगाए गए थे या कंस्ट्रक्ट किए गए थे. एंड दिस इज़ द इमर्सिव थिएटर जहाँ पर 10 मिनट्स की एक हिस्टोरिकल मूवी दिखाई जाती है विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. Now here is the model statue which shows us all what's there inside the statue. So Statue of Liberty although हमें देखने में solid लगता है but it's not solid, it's hollow inside. एक steel के framework के ऊपर copper के sheets लगाए हुए हैं and these are thin copper sheets. So Statue of Liberty के अंदर ये सारे spiral you know जो stairs है वो बने हुए हैं. I guess 305 stairs are there up to the crown portion of the statue. एंड हियर इज़ द ओरिजिनल टॉर्च ऑफ स्टैचू. सो एज आई हैव मेंशन 1985 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो ओरिजिनल टॉर्च थी उसे रिप्लेस किया गया विद द न्यू वन बिकॉज 1916 में ब्लैक टॉम एक्सप्लोजन के दौरान स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओरिजिनल टॉर्च काफ़ी डैमेज हो चुकी थी एंड इट वॉज टू डैमेज दैट इट कुड नॉट बी रिस्टोर्ड. सो 2018 में इस टॉर्च को इस ओरिजिनल टॉर्च को इस म्यूजियम में शिफ्ट किया गया एंड नाउ इट रिसाइड्स ओवर हियर विद द ब्यूटिफुल व्यू आउटसाइड. Yeah.
सो दिस इज द प्लेस जहाँ से हम फोटोज क्लिक कर सकते हैं एंड देन दोज पिक्चर्स विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर. सो दिस पीपल आर वेटिंग फॉर देयर पिक्चर्स टू कम ऑन दिस बिग स्क्रीन. सो दिस इज लाइक दिस. सो वी हैव ऑल्सो कैप्चर्ड द इमेज ओवर हियर एंड अभी देखते हैं बिग स्क्रीन पर हमारी इमेज कब आती है. All about today's video. I hope you guys have enjoyed watching this video. And वाकई में ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बनाई हुई है. एंड हमें न्यूयॉर्क में काफ़ी जगह से इसका व्यू आता है बट दूर से देखने में और करीब से देखने में बहुत यू नो डिफरेंस है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का. सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू अगर आप न्यूयॉर्क आते हो, कभी न्यूयॉर्क विजिट करते हो तो दिस इज़ द मस्ट विजिट अट्रैक्शन. एंड नाउ आई नो वाई दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन न्यूयॉर्क सिटी और इन यूएसए. सो आई होप यू हैव एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. And if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe. Okay, got it. Okay, so new videos ke saath, till then, bye-bye. Take care.